ये अमेजोन का डिलीवरी अब अभी जस्ट आया है। तो अनबॉक्स कर लेते हैं रेडमी के नए फोन रेडमी नोट 10 प्रो को, जो कि मार्च 2021 में लॉन्च हुआ है। इस मॉडल का कलर है विंटेज ब्रोंज और इसमें लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास। फोन काफी हल्का है, वेट है ओनली 192 ग्राम और हमें देखने को मिल जाता है 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो हमें देखने को मिलता है रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। चार रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें कि रियर ऑटो फोकस का, इसमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और ये कंपास, मैग्नोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप सारे सपोर्ट करता है, तो आपको पबजी खेलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, तो हमें फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो हमें ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है विथ मैक्सिमम ऑफ 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। बात कर लेते हैं एंड्रॉयड सपोर्ट की, तो हमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही MIUI वर्जन 12 भी देखने को मिलता है 12.5 128GB की स्टोरेज के साथ। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो हमें वाईफाई स्टैंडर्ड सपोर्ट देखने को मिलता है 802.11 की GPS ब्लूटूथ इंफ्रारेड के साथ, साथ ही में हमें मिलता है 5050mAh की बैटरी। अब बात कर लेते हैं पिक्चर क्वालिटी की, अब मैं कुछ ऐसे फोटोज दिखाऊंगा जो कि इसी फोन से क्लिक किए गए हैं। काफी अच्छा जूम है, 6.6x का जूम देखने को मिलता है।